हेलो गाइस, दिस इज एलीट ब्रेटस और आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या चाइना इंडिया के साथ वॉर के प्रिपरेशन कर रहा है और क्या चाइना अफोर्ड भी कर सकता है इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान की विजिट ने यूएस और चाइना के बीच इतनी टेंशन क्रिएट कर दी है जितनी आज तक कभी नहीं हुई। एक छोटे से मिसकैलकुलेशन से बड़ी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकती है और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑलमोस्ट तय रहेगा। ये बात फैक्ट है कि चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप प्योरली अमेरिकन को काउंटर करने के लिए है, पर क्या चाइनीज इंडिया के साथ भी वॉर के प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से चाइनीज ने G695 नाम का एक हाईवे प्लान किया है। ये हाईवे शायद तिब्बत को जिनजियांग रीजन से जोड़ेगा और शायद LAC पे जो ऐसे पॉइंट है जहां दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है उनको भी कनेक्ट करेगा। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रपोज्ड हाईवे का कोई भी मैप सामने नहीं आया है, पर इसने डिस्कशन तो स्टार्ट कर ही दिए थे। चाइनीज लगातार LAC पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से न्यूज हेडलाइन बना रहे हैं। सरप्राइजिंगली इतना मीडिया फ्रेंडली होने के बाद भी गलवान में उनके जो सैनिक मारे गए उनकी न्यूज 9 महीने के बाद ही कवर की गई, वो भी सिर्फ 4 सैनिकों की। ऑस्ट्रेलियन न्यूज पेपर द क्लैगजोन ने एक रिसर्च जो फरवरी 2022 में पब्लिश की, उसमें उन्होंने एटलीस्ट 38 कैजुअल्टीज की बात क्लेम की है जो कि बहुत क्लोज है एक्चुअल कैजुअल्टी काउंट से। ये द क्लैगजोन ने चाइनीज सोशल मीडिया को स्कैन करके पता लगाया। इस सबसे स्मार्ट तरीका है क्योंकि चाइनीज और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा एक्सपोज वही होते हैं कैजुअल्टीज के मामले में, तो इनके क्लेम्स और रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर तो होता ही है, ये तो कई बार प्रूव कर चुके हैं। रही बात चाइनीज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की इन तिब्बत, तो यस वो वॉर फुटिंग पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उससे ये बात तो साफ है कि उन्हें अब ये समझ आ गया है कि वो इंडिया के लिए नहीं, इंडिया उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है इस पूरे रीजन में। क्योंकि पहले किसी भी स्टैंड ऑफ में चाइनीज ने इतना पैनिकली हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नहीं किया, ये दिखाता है इंडियन असर्टिवनेस और LAC। बट ये फैक्ट भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि चाइना ने हमें फिर सोते हुए पकड़ लिया था इन 2020 जब उन्होंने एक मल्टी प्रोंग्ड मतलब कई जगह से हमारी टेरिटरी में इलीगल इंग्रेस किया। अब कई चाइनीज हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट हैंगर्स, एयरपोर्ट्स, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स, हेलीकॉप्टर बेसेस इंडियन सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई करे हैं जो पिछले 2 साल में या तो अपग्रेड हुए हैं या फिर डेवलप की गई हैं। जिस लेवल पे चाइनीज इक्विपमेंट इस एरिया में पंप कर रहे हैं वो इस टाइम से पहले कभी नहीं देखा गया। रनवे एक्सटेंशंस, एयर डिफेंस डेवलपमेंट और जिस अमाउंट पे ट्रूप्स और टैंक्स चाइनीज इंडक्ट कर रहे हैं LAC के पास, वो सिचुएशन को सेंसिटिव तो बनाता ही है, लेकिन अगर उनका भूटान में मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाने का प्रूफ और POK में प्रेजेंस को साथ मिला लिया जाए तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन प्रेजेंट करता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है थ्रू आउट LAC। इसकी सारी डिटेल्स LAC स्टैंड ऑफ और गलवान वाले वीडियोस में मिल जाएंगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडिया ने न केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पीड को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन सिर्फ रोड बनाने से और चाइनीज पे नजर रखने से चीजें नहीं सुधरेंगी। चाइनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मौका देता है हमें फिर से सरप्राइज करने का। इंडिया की तरफ से मिरर डिप्लॉयमेंट चाइनीज के लिए एक बड़ा शॉक था क्योंकि न केवल हमने हमारे ट्रूप्स को मूव किया इतने कम टाइम फ्रेम में, बट हम सक्सेसफुल रहे उन्हें सस्टेन करने में, जबकि उस टाइम हमारे पास एयर रूट था एज द ओनली मीडियम सस्टेनेबली सप्लाई मेंटेन करने के लिए। अब रोड्स और टनल कंप्लीट होने लगी हैं फॉर एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी। जिस लेवल का फोर्स डिप्लॉयमेंट इंडिया ने किया डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस इज कमेंडिंग एंड इवन द चाइनीज वर अमेज्ड आफ्टर दैट। 16 कोर कमांडर लेवल मीटिंग के बाद भी स्टैंड ऑफ का सोल्यूशन नहीं निकल पाया और ना ही चाइनीज अभी तक ये समझा पाए कि एक तरफा स्टेटस को चेंज करने के पीछे क्या रीजन है। यहाँ से चाइनीज के लिए बैक ऑफ करना या ऐसा कोई मूव जो एज अ फेस सेवर आए ताकि वो डिसएंगेज कर पाए, ये बहुत मुश्किल है। और क्योंकि चाइनीज ने अभी तक इनसिक्योर और पैरानॉइड किस्म का बिहेवियर शोकेस किया है, इसलिए उनका कुछ भी स्टुपिडिटी करना इन डेस्परेशन रूल आउट नहीं किया जा सकता। रिसेंटली ये G695 की अनाउंसमेंट ने इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ये बातें तो साफ कर दी होंगी कि चाइनीज आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, क्योंकि इस एरिया में G219 हाईवे भी है जो सेम वही एक्सेस पे है जिस पे G695 का अनुमान लगाया जा रहा है। ये एक एक्सेस पे 2 हाईवेज और दूसरा जो कि G695 है वो बहुत करीब होगा LAC के, इसके सीधे सीधे मिलिट्री पर्पस में होने के तरफ इशारा करता है। आई थिंक नोबडी वांट्स अ वॉर बट इट सीम्स ओवर द हराइजन बिकॉज दीज एंशियस एंड इनसिक्योर बंच इज टेस्टिंग द इंडियन पेशेंस। $1 trillion क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना अफोर्ड कर सकता है हमसे वॉर। कोई भी वॉर मेजरली 3 चीजों से जीता जाता है, वेपन्स, वेल्थ और विल पावर। चाइनीज बहुत क्लोजली रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को ऑब्जर्व कर रहे थे और हम उनकी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे ड्यूरिंग द होल स्टैंड ऑफ। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइनीज रॉकेट फोर्स है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस,
चाइनीज ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉकपाइल क्रिएट कर रखा है, लेकिन इन मिसाइल की एक्यूरेसी को मॉडेस्ट ही रेट किया गया है। और इस स्टॉकपाइल का सेंस भी बनता है जब आप डायरेक्टली वर्ल्ड की सुपर पावर से भिड़ने का इंटेंशन रखते हैं। दिक्कत ये है कि इंडिया इस इक्वेशन में ना केवल एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बन के आ चुका है, पर इंडियन आर्सेनल ऑफ क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लार्ज विद वेरी हाई स्पीड एंड हाईली एक्यूरेट मिसाइल्स। और रीसेंट मिसफायर ऑफ ब्रह्मोस इनटू पाकिस्तान एक्सपोज्ड हाउ इफेक्टिव द मिसाइल्स आर। तो जो अजम्पशंस लगाए जा रहे थे कि इंडिया विल बी अ केक वॉक फॉर चाइना ड्यू टू इट्स ह्यूज आर्सेनल इज फैक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज दैट आर्सेनल वॉज नॉट मेंट फॉर इंडिया। एयर सुपीरियोरिटी में इंडिया इस फाइट को क्लियरली डोमिनेट करेगा, ये ऑलमोस्ट हर एनालिस्ट का कहना है। स्टिल इट विल नॉट बी एन इजी फाइट, बट चांसेस इंडिया के ही हैं डोमिनेट करने के ज्यादा। लैंड वॉरफेयर में इंडियन ट्रूप्स हैवीली आउटगन करते हैं चाइनीज ट्रूप्स को इन फिजिकल स्ट्रेंथ, बैटल अवेयरनेस एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉरफेयर, क्योंकि हम पिछले 75 साल से हर एक दिन वॉर लड़ रहे हैं। रही बात वेल्थ की, तो दोनों ही देश की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है बैक टू बैक मार्केट सेटबैक से लड़ने के लिए, चाहे वो कोविड हो या फिर उसके बाद रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जहां इंडिया में रिसेशन के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है, वहीं चाइनीज अब तक सबसे बड़े इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइनीज हाउसिंग मार्केट का बबल फटने ही वाला है, जिसका डेब्ट $9 trillion से भी ज्यादा है। चाइनीज बैंक को डर है बड़े बड़े डिफॉल्ट्स का। बिगेस्ट चाइनीज डेवलपर फर्म एवरग्रांडे ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन देयर पेमेंट्स। अगर किसी कंट्री की बैंक्स ने उस कंट्री की नॉमिनल जीडीपी का 65% पैसा एक डूबती हुई इंडस्ट्री में डाल रखा हो, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा होप नहीं लगा सकता आप उस कंट्री से। और इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब सैंक्शंस और मोर इकोनॉमिक ट्रबल, और वॉर एक बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है। पर चाइनीज के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है। नाउ कम्स द गेम चेंजिंग पार्ट ऑफ द होल कॉन्फ्लिक्ट, जहां चाइनीज को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी और झेलनी पड़ रही है, और ये है उनके सोल्जर्स का माइंडसेट, उनकी आइडियोलॉजी। चाइनीज आर्मी एक जॉइंट सिविल कमांड को फॉलो करती है, जहां आर्मी कमांडर के साथ एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कमिसार भी होता है, जिसको पूरा हक होता है मिलिट्री डिसीजन में इंटरवीन करने का। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने 2016-17 में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म स्टार्ट किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था चाइनीज के दिमाग में सीसीपी की आइडियोलॉजी को इंडॉक्ट्रिनेट करना या फिर ब्रेन वॉश करना, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही सबका कंट्रोल रहे। इस इंडॉक्ट्रिनेशन का सीधा ऑब्जेक्टिव है कि लोग वही फॉलो करें जो सीसीपी चाहती है, लोग वही सोचे और वही एक्ट करे जैसा पार्टी चाहती है। नाउ फ्रॉम हेयर रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। पीएलए की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव कॉलेजेस में होती है। इसका कुछ फायदे भी हैं और चाइनीज के हिसाब से इसके कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। फायदे ये कि यंग पॉपुलेशन के कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट से एवरेज एज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कम बनी रहती है, लेकिन नुकसान ये भी है कि पीएलए चलती है आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश पे। नहीं तो इतना रैम्पेंट करप्शन शायद ही कोई भी राइजिंग सुपर पावर की मिलिट्री सहन कर पाए, जो पीएलए में है। और ये यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स जिन्हें रिक्रूट किया जाता है यूजुअली वेल रेड और वेल एक्सपोज होते हैं कई चीजों से जो सीसीपी करती है अपने डोमिनेंस बनाए रखने के लिए। तो ये यंग कॉलेज स्टूडेंट्स इस आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश को मानने से मना कर देते हैं, और ये कई सीनियर पीएलए ऑफिसर्स ने रिपोर्ट किया है। इन द एंड आप दुनिया की सबसे ब्रेव लास्ट स्टैंड्स की फाइट उठा लीजिए, चाहे वो बैटल ऑफ थर्मोपिलाई हो जहां स्पार्टन्स ने पर्शियंस को रोका जिसके ऊपर 300 मूवी बनी है, या फिर बैटल ऑफ सारागारी, या फिर बैटल ऑफ रजांगला, या फिर बैटल ऑफ लूंगेवाला, या फिर बैटल ऑफ हिली ऑफ 1971 बोर। यहां पे ऑड्स हमेशा से डिफेंडिंग फोर्सेस के अगेंस्ट थे, बट उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी गन्स नहीं, उनका दिमाग था, उनकी आइडियोलॉजी थी, उनके बिलीफ सिस्टम था। हमने ये चीजें एविडेंटली देख ली हैं गलवान में कि कैसे मोटिवेटेड सोल्जर्स एक प्रोपोगेंडा ड्रिवन आर्मी को गोलगप्पे खिला सकते हैं, इवन जब वो ऑलमोस्ट 1:8 के रेशियो में आउट नंबर्ड हो। इन द एंड ये बहुत क्रूशियल है समझने के लिए कि ये चाहे किसी और एनिमी के अगेंस्ट मैन बिहाइंड द मशीन वाला आर्ग्यूमेंट बेकार लगे आज के टाइम पे, पर अगेंस्ट चाइना ये गेम चेंजर साबित होगा। एंड वन वीडियो कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस टॉपिक, सो आई विल कीप मेकिंग वीडियोज ऑन इंडिया एंड चाइना। Thanks for watching till the last, and if you resonate with my views or even disagree with me in this particular video, please let me know in the comment section. Till then, Jai Hind, Elite Pate is out.